TVS Apache RTR 164 भी। दोस्तों ये 2021 का जो अपडेट होके आई है इंजन के मामले में काफ़ी अच्छी अपडेट होके आई है, जो कि इसमें आपको पावर और टॉर्क बढ़ के मिलेगी पहले के मुकाबले। इसमें थोड़ी सी वजन भी कम कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं 164V को, तो दो चार दिन ठहर सकते हैं, जो कि 2021 का जो नई अपडेट होके आ रही है बाइक वो ले सकते हैं, जो कि इसमें आपको अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और हल्की भी वजन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ इस बाइक में कितना पावर और टॉर्क बढ़ गया है, कितना वजन कम हो गया है और प्राइस कितनी बढ़ गई है। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले डिजाइन और लुक की बात करते हैं, तो डिजाइन लुक में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले की तरह डिजाइन लुक इस बाइक में देखने को मिलेगा। सामने बोल्ट डिजाइन LED हेडलैम्प पहले भी आती थी, अभी भी आती है, पहले भी LED DRL देखने को मिलती थी, अभी भी आ रही है। डबल टोन सीट पहले भी आती थी, अभी भी डबल टोन सीट ग्राफिक देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों डिजाइन के मामले में इस बाइक में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा जो अपडेट हुआ है इस बाइक में इंजन के मामले में, इंजन आपको सेम वही मिलेगा, 159.7 cc का ऑयल कूल फोर स्ट्रोक 4-valve SI रेस्ट्यून फ्यूल इंजेक्शन पहले भी आती थी, वही इंजन अभी भी आती है। पर दोस्तों यहाँ पर इंजन में ट्यूनिंग करके पावर और टॉर्क बढ़ा दिया गया है। पहले पावर निकालती थी 16.2 PS की 8250 RPM पर, लेकिन अब जो पावर निकालेगी 17.6 PS की 9250 RPM पर, यानी कि पावर भी बढ़ गया है और RPM भी बढ़ गया है। टॉर्क की बात करते हैं तो पहले टॉर्क निकालती थी 14.2 न्यूटन मीटर का, लेकिन अब जो टॉर्क निकालेगी 14.73 न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पर पावर और टॉर्क इस बाइक में बढ़ गई है, जो कि दोस्तों टॉप स्पीड पहले के मुकाबले इस बाइक में बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर टॉप स्पीड की बात करते हैं तो कंपनी कहती है 114 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, लेकिन दोस्तों इस बाइक में 130 से प्लस टॉप स्पीड जा चुकी है, मतलब कि ले जा चलाने वाला उतना चला लिए हैं। तो मान के चलिए इस बाइक में 135-138 तक की टॉप स्पीड चली जाएगी, क्योंकि जो 2021 का जो अपडेट आया है इसमें आपको थोड़ी सी पावर और टॉर्क बढ़ गई है, तो मान के चलिए पहले के मुकाबले इसमें आपको टॉप स्पीड ज़्यादा मिलेगी। बाकी बात इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपको पहले भी 5 गियर देखने को मिलती थी, अभी भी 5 गियर आ रही है। स्टार्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ओनली आपको इलेक्ट्रिक स्टार्टर देखने को मिलेगा। माइलेज की बात करते हैं तो लगभग 45 km/L तक की माइलेज मिल सकती है। आगे बात करते हैं टायर साइज की, तो आगे मिलती है 90-90-17 और पीछे 110-80-17, और एक ऑप्शन और आ जाती है 130-70-17 ट्यूबल टायर, यानी कि दोस्तों पीछे दो ऑप्शन आ जाती है टायर के मामले में। 130 mm का चौड़े टायर आ जाती है और 110 mm का चौड़े टायर आ जाती है। तो टायर के अकॉर्डिंग भी इस बाइक को चूज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों टायर के मामले में कोई बदलाव नहीं किया इस बाइक में। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो 270 mm का डिस्क ब्रेक आगे देखने को मिल जाती है पेटल डिस्क, और पीछे 220 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक, यानी कि ब्रेकिंग के मामले में भी सेम आ जाती है, पहले जो आती है वही अभी भी आ रही है। इसमें आपको सुपर मोटो सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों डायमेंशन के, तो यहाँ पे डायमेंशन के मामले में थोड़ी सी बदलाव किया गया है। इसकी लंबाई मिल जाती है 2035 mm, चौड़ाई 790 mm, हाइट 1050 mm, व्हील बेस 1357 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, सीट हाइट 800 mm, फ्यूल टैंक 12 लीटर, और गाड़ी का वजन 145 kg और 147 kg। यहाँ पर दोस्तों 2 किलो वजन कम देखने को मिलती है पहले के मुकाबले। पहले जो डिस्क ब्रेक का वजन था 149 kg और जो ड्रम ब्रेक का जो वजन था 147 kg, अब जो ड्रम ब्रेक का वजन हो गया 145 kg और डिस्क ब्रेक का 147 kg, यानी कि दोनों वेरिएंट में आपको 2-2 किलो वजन कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही अपडेट था TVS Apache RTR 164V में। बाकी बात आपको फीचर्स वही देखने को मिल जाती है, फुली डिजिटल मीटर पहले भी आती थी अभी भी आ रही है, GTT टेक्नोलॉजी पहले भी आती थी अभी भी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों फीचर्स वही आती है जो कि पहले आती थी, उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में जानते भी होंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी कहती है इस बाइक को 0 से 60 स्पीड लगाने के लिए मात्र 4.8 सेकेंड लगती है, यानी कि दोस्तों अच्छी खासी इनिशियल पिकअप देखने को मिल जाएगी इस बाइक में। दोस्तों अब बात आती है इस बाइक की प्राइस कितनी बढ़ी है, जो कि नई अपडेट हुई है तो प्राइस भी तो बढ़ी होगी। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ प्राइस वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 4 से 5 हज़ार रुपये बढ़ा है। पहले ड्रम वाला अगर लेते थे तो आपको 1,02,000 के आसपास पड़ती थी, और डिस्क वाला लेते थे तो आपको पड़ता था 1,05,000 रुपये के आसपास शोरूम प्राइस। अब इसकी शोरूम प्राइस पड़ जाती है, ड्रम वाला लेते हैं तो 1,07,210 रुपया, अगर आप डिस्क में लेते हैं तो 1,10,320 रुपये पड़ जाती है। यहाँ पर प्राइस के मामले में 5 से 6 हज़ार रुपये बढ़ा है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है इस बाइक में, जो कि 160 cc सेगमेंट में अच्छी खासी पावर और टॉर्क देखने को मिल जाती है।
तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप पूरी समझ गए होंगे इस बाइक में क्या क्या अपडेट होके आई है, मैं आपको लगभग सब कुछ बता दिया हूँ। बाकी बात दोस्तों कुछ भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।